छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव साहित्य नगरी के नाम से शुमार है। लंबे अरसे बाद यहां होने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध जयंती समारोह को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आयोजन में वक्ता और कवियों के नाम को लेकर विवाद के बाद कार्यक्रम टाल दिया गया है। यह आयोजन मुक्तिबोध की जयंती पर 13 नवम्बर को होना था। जयंती समारोह का आयोजन संस्कृति विभाग और दिग्विजय कॉलेज के मुक्तिबोध स्मारक समिति की तरफ से किया जाना था। आपको बता दें कि आयोजन के तहत होने वाले कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवियों के नामों को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। समारोह के तहत संगोष्ठी में आमंत्रित देहरादून के डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा का भी विरोध देखा गया। गजानन माधव मुक्तिबोध जी संस्कारधानी नगरी के प्रमुख साहित्यकार थे और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में वो महान विभूति थे, और उनका जो स्मृति में मुक्तिबोध स्मारक बनाया गया है उसको राज्य शासन के सहयोग से पिछले कुछ दिन में आपने देखा होगा कि नए कलेवर में किया गया है, और उनकी स्मृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए और वर्तमान पीढ़ी को उनके साहित्य से अवगत कराने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। बहुत शीघ्र गजानन माधव मुक्तिबोध जी की स्मृति में एक समारोह शहर में आयोजित किया जाएगा जिसमें मूर्धन्य साहित्यकार